हेलो एवरीवन नए निर्णय आई में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी 2025 का जो रिवाइज कैलेंडर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए है ना कि फॉर्म कब आएगा या उसकी तारीख क्या रहेगी या लास्ट डेट क्या रहेगी प्रीलिम्स कब होगा मेंस कब होगा ठीक है और अभी हाल ही में जो पूजा खेडेकर का विवाद जो है वो चल रहा है तो उसको भी यहां पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर यूपीएससी है ठीक है? तो यहां पर जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2025 का एक इसमें, साथ इसमें आएगा, और फॉर्म कब से कब तक फिल किया जा सकेगा और मेंस एग्जाम कब होगा तो इसको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसमें यदि आप देखिए तो यूपीएससी 2025 का जो कैलेंडर था वो एक्चुअली में 25 अप्रैल 2024 को ही जारी किया गया था और इसमें यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ रही है कि जो अधिसूचना है या जो नोटिफिकेशन है उसकी जारी होने की तिथि क्या है तो वो यहाँ पे 22 जनवरी 2025 है और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी ठीक है फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 11 फरवरी 2025 तक रहेगी है ना और यहाँ पे जो परीक्षा तिथि है वो यहाँ पे 25 मई 2025 तक आएगी तो जो प्रिलिम्स का जो एग्जाम है उसको यदि हम देखें तो इसमें दो टाइप के पेपर होते हैं एक इसमें जीएस का पेपर होता है और एक इसमें सीसेट का पेपर होता है तो सी सैट में अस्सी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वालीफाई करना ज़रूरी है और जी में यहाँ पर सौ क्वेश्चन आते हैं जिसके आधार पर मेरिट डिसाइड होती है ठीक है तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जी हम अच्छा कर लें और सी सैट ज़्यादा मतलब कैजुअल वे में लेते हैं और उसके कारण उनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि सी सैट का जो पेपर है उसमें क्वालिफाई होना जो है वो कंपलसरी है तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सी सैट में यहाँ पे अस्सी क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे और अस्सी क्वेश्चन में यहाँ पे थर्टी जो है वो यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है ठीक है तो 80 क्वेश्चन का तैतीस परसेंट यदि तो यहाँ पे लगभग 26 या 27 क्वेश्चन जो हैं वो जाते हैं तो इस तरीके से मिनिमम इतना होना चाहिए आफ्टर नेगेटिव ठीक है इसके बाद जो है वो आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी और उसके बाद जो है वो मेरिट बनेगी ठीक है तो यहां पर हमें इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना होगा और इसके बाद यदि हम इसका मेन्स का एग्जाम देखें तो ये यहाँ पे बाईस अगस्त दो से शुरू होगा और मेन्स का जो एग्जाम है वो लगभग पांच दिन के आसपास चलता है तो एक दिन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस के पेपर हो जाते हैं फिर एक दिन निबंध का पेपर होता है और जी एस वन टू थ्री फोर और यू में अभी ऑप्शनल है तो एक ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो लगभग पाँच दिन में ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद मेंस का रिजल्ट फिर इसके बाद इंटरव्यू एंड फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट आती है तो इस तरीके से ये जो कुछ डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जैसे यहाँ पे 22 जनवरी 2025 हज़ार इंपॉर्टेंट है फिर इसके बाद 11 फरवरी जो है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है है ना फिर यहां पर जो प्रेम्स का एग्जाम है वो 25 मई 2025 का है और 22 अगस्त 2025 का यहां पर मेंस का एग्जाम है ठीक है तो अब यहाँ पर जो और चेंजेस होने की संभावना है उसको भी हम लोग देखें तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पूजा खेडेकर का जो विवाद है वो अभी हाल में चल रहा है और पूजा खेडेकर जो हैं वो उन्होंने कुछ आ, फोज डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट ज़्यादा लेने की कोशिश किए तो यू जो है वो इस चीज़ पर फोकस कर रहा है और उसका ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट जब फॉर्म फिल करता है तो यहाँ पर उसका जो है वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो होना ज़रूरी है और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो सही कैंडिडेट है वही यहां पर आएगा है ना और जिस तरह जो भी इस तरीके के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वाले या इस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर एक बाहर करने का प्रोसेस है दूसरा यहां पर जो चीज़ आ रही है वो आ रही है फेशियल रिकॉग्निशन तो चेहरा जो पहचान है उसके माध्यम से भी हम किसी की आइडेंटिटी को देख सकते हैं या किसी को पहचान सकते हैं ठीक तो मतलब, है, है तो जैसे आंखों की जो मतलब चीज़ें हैं वो यहां पर कर सकते हैं तो जैसे हम लोग आधार जब बनवाते हैं तो वहां पे जो जो टेस्टिंग होती है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है ठीक है तो इसी तरीके से यहां पे जो फेशियल रिकॉग्निशन है या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो यहां पे इन तरीके के कैंडिडेट्स को रोकने में एक मदद करेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहां पे अगली चीज आती है कि यूपीएससी जो है वो परीक्षा के दिन उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए जो प्रमाणीकरण है या जो चेहरे की पहचान है उसके लिए यहां पर जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है उसको यहां पर यह सारी वो जानकारी देगा जिसके माध्यम से सही कैंडिडेट ही एग्जाम दे रहा है इस चीज का पता लग पाएगा ठीक है तो चूंकि अब इस तरीके के काफी सारे केसेस होने लगे हैं है ना कि कैंडिडेट कोई और है उसकी जगह पेपर कोई और दे रहा है तो यूपीएससी की यहाँ पे जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन उस उसमें उठा है ठीक है तो आवेदकों के द्वारा जो भी डाटा और चित्र प्रस्तुत किया जाएगा वो चीज यहां पर हमें देखनी होगी कि वो एक्चुअल जो कैंडिडेट है उससे मैच कर रहा है कि नहीं क्योंकि यूपीएससी अपना एग्जाम जो है वो एक सर्विस एजेंसी के माध्यम से कराती है और उस सर्विस एजेंसी की ये जिम्मेदारी होगी कि यहां पर ये देखे कि जो एक्चुअल कैंडिडेट है वही आ रहा है या उसकी जगह कोई और तो नहीं आ रहा है ठीक है यूपीएससी जो है वो अब की बात जीपीएस तकनीक का उपयोग करके भी एक रियल टाइम प्रेजेंट सिस्टम जो है उसका भी एक प्रस्ताव दिया गया है जो कि परीक्षा वाले दिन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ठीक है जैसे प्रेम्स का जो एग्ज़ाम है 25 मई को या जो मेंस के एग्जाम है तो यहाँ पे जो प्रिम्स का एग्जाम है वो वहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली है इसका यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया गया है जो कि यहाँ पर परीक्षा के दिन उपयोग में लाई जा सकती है और इसके माध्यम से भी हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल कैंडिडेट है वही यहाँ पर आएगा और इस तरीके के जो फौज कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते ठीक है तो यूपीएससी पी यहाँ पर इस तरीके के कुछ चेंजेस को लेकर आएगी और इसके

का एक अपडेटेड सिलेबस कहाँ से और कितना पढ़ना है इसके लिए यहाँ पर जो है वो मैंने वीडियोस बनाए थे और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जीएस पेपर वन में यदि हम देखें तो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है चूँकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री में यदि हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री है ना इसके साथ साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं लगभग 40 से 50 परसेंट का योगदान दे रहा है और जीएस पेपर वन में ही हम इंडियन सोसाइटी को भी ले देखते हैं और इंडियन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे अभी तक का समाज है उसी का ही एक मिश्रित रूप है ठीक है ये हम कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड फॉर्म है तो जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग समाजों का अध्ययन करते हैं है ना और इस तरीके से यदि हम देखें तो जी पेपर वन में हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी की एक भूमिका को निभाता है तो कहाँ से और कितना पढ़ना है इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे तो मैं चाहूँगा कि उसको भी आप जरूर देख लें ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया की जो पुस्तक है उसके चैप्टर वाइज एम की और ये सारे के सारे जो एम हैं वो सब नए हैं और उसी चैप्टर से लिए गए हैं तो जैसे विपिन चंद्रा की किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके हर चैप्टर से हम लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू करके एक सीरीज़ बनाई थी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चूंकि विपिन चंद्रा की जो आधुनिक भारत की किताब है उसमें उसका काफ़ी बड़ा योगदान होता है है ना यू पी में और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक कंसेप्ट है वो यहाँ पर एक डेवलप होता है ठीक है तो यूपीएससी की जो ये प्रम्स का एग्जाम है इसमें विपिन चंद्रा की जो पुस्तक है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज को शुरू किया था जिसमें हर चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करके और उससे रिलेटेड एम किए थे जो कि सारे के सारे नए थे तो इसकी जो सीरीज है वो भी आपको यहाँ पे प्ले में मिल जाएगी ठीक है फिर इसके बाद एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल की बात है तो हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित जो है वो कई सारी गलत धारणाएं हैं कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है है ना इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है वगैरह वगैरह और साथ ही साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे आ, कई सारे बच्चों के मन में ये भी धारणा थी कि हमें नंबर बहुत कम मिलेंगे ठीक है तो चूंकि मैंने खुद यूपीएससी से दो इंटरव्यू दिए हैं और नंबर भी मेरे जो हैं वो ठीक आए हैं तो ऐसी स्थिति में मैं यहां पर बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसी जो गलत धारणाएं जो चल रही हैं वो सब मतलब मिथ्या है, है ना और सारी की सारी जो इस तरीके की सोच है कि हिस्ट्री ऑप्शनल लेना जो है वो बहुत ही हैक्टिक है बहुत ही टाइम टेकिंग है बहुत हार्ड वर्किंग है बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं ठीक है थीके? तो ऐसा कुछ नहीं है जब भी ऑप्शनल का पेपर होता है तो वहां पे फैक्ट्स से ज़्यादा कंसेप्ट फोकस किया जाता है और कंसेप्चुअल चीज़ों को यहां पे हम लोग समझेंगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल

हार्ड कॉपी नोट्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मीन्स की आंसर राइटिंग है है ना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बैच में हैं इस बैच की यदि हम प्राइसिंग देखें तो ये प्राइसिंग लगभग तेरह सौ बत्तीस रुपये प्रति महीने की है तो अब इसको यहाँ पर लिया कैसे जाएगा वो इसको देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये तीन प्लान हैं एक प्लान आप देखिए तो लगभग ढाई साल का है है ना एक दो साल का है और एक डेढ़ साल का है ठीक है तो यहाँ पर ये जो प्लान है इसके माध्यम से यही इसको लिया जा सकता है और इसमें यदि एस टी लाइव जो है वो कोड लगाया जाएगा तो यहाँ पे 25 परसेंट तक का डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा ठीक है और अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है पूरा पैसा यदि एक साथ देने में कुछ समस्या आ रही है तो यहाँ पे हम नो कॉस्ट ई वाला जो ऑप्शन है वो भी ले सकते हैं तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो इसको लेने का एक बार जरूर सोचें क्योंकि ये जो मतलब कोर्स है ये हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको बहुत तरीके की तकलीफ रहती है कि हमें नोट्स अच्छे नहीं मिलते हमें मतलब गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती और भी कई तरीके की समस्याएं हैं तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी ठीक है फिर यहाँ पर एक जो है वो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री ऑप्शनल का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है और ये जो है सितंबर के दूसरे वीक या दूसरे सप्ताह से इसकी उम्मीद है इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग दस हजार छह सौ के आसपास है और यहां पर भी यदि ये कोड एस टी लाइफ को लगाया जाएगा तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट तक का डिस्काउंट यहां पर इसमें मिलेगा ठीक है तो इसके माध्यम से ये जो बैच है वो लगभग आठ हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा और हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित जो भी इस तरीके की धारणाएं हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है सब कुछ पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं ईयर याद करने पड़ते हैं तो ये सब जो हैं वो सब धारणाएँ सारी मिथ्या हैं और इन्हीं सब धारणाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर यह बैच भी लॉन्च किया गया है तो इसको जो है वो सेप्टेम्बर के सेकेंड वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें एनशियट मिडीवल्ड मॉडर्न और वर्ल्ड और ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर ये सारी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन होगा ठीक है सो so, आप सभी लोगों का धन्यवाद आज की क्लास में हम लोगों ने यह समझा कि यूपीएससी का जो रिवाइज शेड्यूल है वो किस तरीके का होगा या क्या क्या जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स uh, की आइडेंटिटी के बारे में जो है क्या क्या कर सकता है है ना जैसे फेशियल रिकॉग्निशन की बात है या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात है तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की इसके साथ साथ जो निर्णय आईएस का बैच है है ना उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको यदि जो भी लोग लेते हैं उसको काफ़ी फ़ायदा होगा हिस्ट्री का ऑप्शनल जो है उसमें भी जो अलग अलग धारणाएं हैं उसको भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यू कोड है है ना और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उनसे मैं चाहूँगा कि वो इसको ज्वाइन कर लें इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा है ना और टेलीग्राम के माध्यम से क्लासेस के लिंक्स पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड मीनस की आंसर राइटिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं ठीक है तो बिना लिखे जो है वो सिलेक्शन नहीं होना है और राइटिंग पे मैं शुरू से ही फ़ोकस करता हूँ कि राइटिंग जितनी अच्छी होगी या जितनी मतलब टू द पॉइंट होगी नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे सो थैंक यू वेरी मच एंड इसके संबंधित जो आगे कोई डिटेल्स आएगी उसमें हम लोग एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी सो थैंक यू वेरी मच और हम लोग आगे मिलते हैं फिर